जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम जनूबी पंजाब के मुख्तलफ एरियाज जहाँ पे फ्लड आया हुआ है, दरिया चनाब, दरिया रावी और उनके मुतासरीन जो लोग हैं वहाँ पे पहुँच के कोशिश कर रहे हैं कि आपको असल हकाइक फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो आपके सामने लाए जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, यहाँ पे एक किश्ती में हम यहाँ पे मौजूद हैं, इस पे हमने यहाँ पे सफ़र किया और बल्कि इनके साथ भी हम गए जहाँ से ये लोग उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। मुख्तलफ देहातों से जो दर्जनों देहात हैं और उसके साथ साथ बस्तियाँ लोगों की, वो जो जेरे आप आ चुकी हैं, ये जो मैं बताता चलूँ, अब जो हम पहुँचे हैं इस दरियाए चनाब का एक एरिया है, यहाँ पे हम पहुँचे हैं शहर सुल्तान बिंडा इसहाक, और ये इस इन एरियों में आप पहुँचे हैं। जो पिछली वीडियो थी वो दूसरी जगह पर हमने हेड पंजनाथ के पास बनाई थी, वहाँ भी पहुँचे थे। तो ये कश्ती है और ये कश्ती का ड्राइवर है जिसको कहते हैं पायलट, कश्ती का पायलट है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या कहेंगे आप, कैसे लोगों को निकाल रहे हैं और क्या तबाहकारी है सलाब की? सर जी, इस साइड में बहुत नुकसान हुए हैं। अच्छा, लोगों को हम लोग निकाल के लिए सामान हो गया, भैंसें होगी, गायें होगी, बकरियां होगी, सब उठा के लिए हम लोग। अच्छा, और जो इस साइड में घर भी गिरे हैं लोगों के। अच्छा, इस तरह गरीब लोग हैं, यहाँ पे गिर गए हैं। ये सामने ये दरवाजे के सामने देखो, उस साइड पे भी घर गिरे हैं। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, बेहतर हो गया। घर गिरे हैं लोगों को, इन लोगों को भी हम लोगों ने बचाया, सामान लेके आए। अच्छा, हाँ, बहुत नुकसान हुआ है इस साइड पे। अच्छा, कितने देहात जो है इधर तबाह हुए हैं? इधर बहुत बस्तियां, कोई नाम ये आया का शक्कर मेला हो गया, इस साइड पे हम लोगों ने बचाया। अच्छा, कादरपुर साले हो गया, ये गंजेड़े होगी, गंजेड़ों की बस्ती, इसको भी हम लोगों ने बचाया। अच्छा अच्छा, ये जैसे आप नाम ले रहे हैं, ये बस्तियां जेरे आब आई, उसके बाद वहाँ से लोग और सामान आप निकाल से रेस्क्यू कर कर निकाल के ले आए। अच्छा, तो जाने जो बता रही है हुकूमत के, जाने भी जा रही है, कुछ जाने भी इंसानी जानों का ज्यादा हुआ? नहीं, डंगरों का बहुत नुकसान हुआ और इंसानी जो जाने लोग वो भी है, बीमार हो रहे हैं लोग। यहाँ पे कोई दवाई नहीं है, कुछ भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे। अपनी मदद, अपनी मदद के तहत हम लोग खुद कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई एनजीओ वगैरह, कोई गवर्नमेंट? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आ रहा इस एरिया में। जी जी, कुछ कोई भी नहीं आ रही सर। तो क्या क्या हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? यही मुतालबा कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, आए, कुछ इमदाद करें गरीबों की। जारी बात है, जिनके देहात घर उजड़ गए तो उनको देखा जाए, उनको देखा जाए। जी जी, यही बात कर रहे हैं, बस इनकी इमदाद की जाए। ये देखो, ये बच्चा ये गिरा है, इसके बच्चे नीचे आ गए। अच्छा, ये भी उधर गिरा, देखो ये टांके लगे हुए हैं इसको। भाई क्या हुआ था बताएं आप थोड़ा सा, कैसे गिरे आप जब पानी आया था? छत गिरी है ऊपर से, बारिश की, बारिश की वजह से नहीं, अपने सैलाब की वजह से। बारिश भी, सैलाब सैलाब है, ऊपर बारिश, बारिश। अच्छा अच्छा, ये कमरे में सोए हुए थे तो ये जो है ना गरीब फंस गए हैं। इन लोगों को रात को हमने 3 बजे जाके निकाला। अच्छा, रात को 3 बजे जाके निकाला। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, जैसा आप बता रहे हैं, ये कश्ती का ड्राइवर है, बहुत सारी दुख भरी दास्तानें हैं। रातों को जाके वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा, निकाला जा रहा, तो अपनी मदद आपके तहत कुछ और लोग इलाके से हटके भी कुछ हेल्प कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं लोग, ये भी नहीं। अच्छा, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। जी जी, हुकूमत का आपको नजर कहीं नहीं आ रही? कोई भी नहीं आ रही, हुकूमत है तो इस साइड पे है, वो अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, प्रॉपर आके यहाँ पे आप लोगों की मदद नहीं की जा रही, आप खुद अपने तहत खुद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ठीक है, पानी काफी आ जाता है, अगर हुकूमत पे तावन करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोग अपनी मर्जी आपके तहत रेस्क्यू अपने आप उठा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आते हैं, यहाँ पर ये सिफर बंद है। अच्छा, यहाँ पर लोग उतरते हैं। अच्छा, कोई पानी है काफी दूर दराज तक पानी फैला हुआ, वो हमें बताया जा रहा है कि दरियाए चनाब इस तरफ बहुत दूर तक, दूर तक, दूर दूर तक निकल गया। वो जो सामने दरख्त है वहाँ तक, वो सामने दरख्त देखे वहाँ तक पानी, काफी दरियाए चनाब इतना दूर। ये कैमरा मैन आपको दिखा रहे हुए हैं, दरियाए चनाब का एक तरफ तो बंद है और ये जो बंद है ये भी हमने देखा मुख्तलिफ जगहों से, ऊपर से बारिश की वजह से खराब हो रहा है, फट रहा है ऊपर। हुकूमत को चाहिए कि तमाम इलाकों का विजिट करें, चेक करें, इमदाद करें, कोई एनजीओ वगैरह हो या कोई हुकूमती कोई दवाई, डॉक्टर कुछ भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, नाज़रीन इकराम, जैसा कि इन्होंने भाई ने बताया कि हम खड़े उसी कश्ती पे हैं जहाँ से लोग ये लेके आ रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। अब ये कश्ती आने वाली है इनका, और एक कश्ती और लोगों से उधर लेके आ रहे हैं। चार कश्तियां हम लोगों ने रखी हुई है, चार कश्तियां यहाँ रखी हुई है लोगों को बचाने के लिए। अच्छा अच्छा, सब कुछ हम लोगों ने सर्वे, जो इधर से फोन आ जाते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा अच्छा, जिंदाबाद। सामान भी उठा के आते हैं, उनको भी लेके आते हैं, उनके घर उनकी फैमिलियों को भी लेके आते। हमने इस दरिया को देखा है, ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना फैला हुआ है और बहुत ज्यादा बिफरा हुआ है,
और ठीक हमने आपको जो आज विजिट करवाए हैं सारे जी, ये आपने देख लिया होगा जी। ठीक है, तो इस तरह यानी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आगे एक बस्ती है, ठीक है ना, बिंडा वहाँ पे जो है ना इनको शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है ना, वहाँ ये जो है ना लोग इनके मवेशी वगैरह ये हो गए। और बाकी जारी बात है, यहाँ इस साइड पे अभी जो है ना इस तरह की कोई एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट की, और बाकी कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे जो है ना अवेयरनेस हो रही है। हाँ जी, तो लोगों को भी बताया जा रहा है, ऐलान वगैरह भी करवाए जा रहे हैं मस्जिदों में। अच्छा, ठीक है कि आप यहाँ से जो है ना निकल जाए, नकल मकानी करें। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो कश्तियाँ ये हजरात हैं ये जो बहुत ही यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो है ना डिस्ट्रिक्ट खिदमत इंसानियत। हाँ जी, तो ये लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। चार कश्तियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं। ठीक है, तो चार कश्तियों की मदद से इसी तरह जो रात को या जैसे ये भाई लोग बता रहे थे रात सर यही सोते हैं, गवर्नमेंट की जानिब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की जनता। नहीं सर देखें, आपकी अभी तक जो जितना होना चाहिए उतना है नहीं, जैसे वो बता रहे हैं कि प्रॉपर हम जो है ना अपने लिमिटेड सोर्सेज में रह के जारी बात काम कर रहे हैं। जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैंने जैसे पहले ही आपको अर्ज किया कि जो है ना हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसमें जो है ना अभी तक जो है ना तकरीबन कोई जितनी यूनियन काउंसिल अफेक्टेड हैं उनमें हमारी टीमें पहुँची हुई हैं, वहाँ जाके जो है ना उनको जिस तरह हो सकता है हेल्प वगैरह कर रहे हैं। तो बाकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उस हिसाब से देखा जाएगा। नाज़रीन इकराम देखिए, ये तो सर बता रहे हैं कि जितनी इनको लिमिटेड सोर्सेज से ये कर रहे हैं अपनी मदद, गवर्नमेंट जो हिदायत दे रही, लेकिन अभी गवर्नमेंट की प्रॉपर हिदायत और फोकस नहीं है। अगर प्रॉपर होता तो ये भाई जैसे बता रहे हैं कि अभी अपनी मदद आपके तहत रात को 3-3 बजे मुख्तलिफ बस्तियों से मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। गर्मी बहुत है जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है, हम आगे तक आए हुए हैं। आगे तक आने का मतलब कि आपको अंदर आके, ये नहीं कि ड्राइंग रूम्स या स्टूडियो में बैठ के खाली बातें की जाए, आपको प्रॉपर फील्ड में यहाँ पे आके दिखाया जाए लोगों के मसाइल क्या हो क्या रहा है। तो मजीद आगे बढ़ते हैं, लोगों के ये मसाइल आपके सामने के हकूमत उसी तरीके से नजर नहीं आ रही। लिमिटेड जो है उनके रिसोर्सेज वो तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों के मसाइल बहुत गंभीर हैं। लोग अंदर मुख्तलिफ देहातों में जैसे पता चल रहा है, चार कश्तियां इन्होंने लगाई हुई हैं, तीन कश्तियां अभी दो कश्तियों से यहाँ लोग अभी हमारे सामने यहाँ उतार के गए। इसमें घर हैं, ये घर हैं, ये मोटरसाइकिलें वगैरह ये सारी चीजें जो है ना ये वहां से निकाल के ले आए। जैसे जैसे लोगों का जितना सामान है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। जारी बात है जो भारी सामान है वो तो नहीं लेके आ सकते, इंसानी जो है ना जानों का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। फोकस यही है कि उनको बचाया जाए, जो जानवर वगैरह हैं बहुत सारे जानवर मर भी चुके हैं। अच्छा, ठीक अच्छा, है अच्छा, तो आपको हमने दिखाया भी है जी जी, वो सारे जानवर मरे दूसरे हुए। कोशिश निकाल की जा रही है कि इंसान जो है ना उनको। अच्छा सर, मैं एक जाते जाते एक बात और बता दूं कि ये जो एक लंपी स्किन बीमारी आई हुई ना जानवरों के ऊपर, उस बीमारी का करके लोगों के जो जानवर मर रहे हैं वो भी दरियाओं के अंदर फेंक रहे हैं। हालांकि सैलाब की वजह से पहले ही मुजर पानी है, और दरियाए चनाब की मैं बात करूं तो इसमें मुजफ्फरगढ़ से पीछे जो इसने तबाही मचाई है, और उधर इसमें इंसानी लाशों को तैरते हुए इन लोगों ने देखा है। और मैं दूसरा ये बताता चलूँ कि जो लोगों की ये बीमारी वाले जानवर बहुत ज्यादा दर्जनों सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं वो भी अंदर फेंक रहे हैं, ये काइंडली थोड़ा सा ख्याल किया जाए। लोग जो दरिया में फंसते हैं मुजरे सेहत ये जरासीम वाले जानवर उनको मजीद नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं, इस हवाले से देखा जाए। और बाकी गवर्नमेंट को भी जैसे इशफाक भाई ने बताया कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, लेकिन बहुत कम है, मैं कहूंगा एज ए जर्नलिस्ट बहुत कम है। हमारी कोशिश यही है कि जैसे हम लोग इनको भी कश्ती वाले भाई हैं इन लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं, उनको भी यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना जितना हो सकता है इन लोगों को निकालें, रेस्क्यू करें, क्योंकि जारी बात है हमें बहुत सारे इलाकों का नहीं पता जी, तो इनको पता है मकामी लोग हैं, उनसे जैसे जैसे जो है ना मालूमात इकट्ठी होती है इनको कहा जा रहा है कि जी भाई आप इनको बाहर निकालें। ये लोगों की बहुत बड़ी काविश है, हिम्मत है इन लोगों की, 3-3 बजे रातों को जाके ये जो है ना जहाँ इनको पता चलता है ये लोग जो है ना उनको वहां से निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त से टाइम दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का। नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और लोगों के जो मसाइल हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। इस सैलाब ज़दगर फ्लड जनूबी पंजाब में कोशिश कर रहे हैं हम मुकम्मल टूर करें, लोगों के मसाइल आपके सामने, और NGOs और इदारे किस हद तक तावन कर रहे हैं, लोगों किस हद तक अपनी मदद आपके तहत तावन कर रहे हैं, और हुकूमत वक्त किस हद तक तावन कर रही है, पाक फौज क्या तावन कर रही है, चीजें आपके सामने लेके आ रहे हैं, मजीद भी आगे लेके आते हैं। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।